नमस्कार दोस्तों दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी ये डिसीजन लिया है कि जो हम लोग का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से अब से शुरू होगा। तो पहले जैसे आपको बता दूँ तो हम लोग का रिपब्लिक डे 24 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक होता था, और 29 जनवरी को बेसिकली बीटिंग द रिट्रीट होता था। तो गवर्नमेंट ने अभी ये डिसीजन लिया है कि 23 जनवरी से हम लोग का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन शुरू होगा, ना कि 24 जनवरी से। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि 23 जनवरी को इंडिया के वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में बर्थ हुआ था उनका। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगर मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स बताऊँ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक किए थे, और उनका उस वक्त रैंक 4 था। लेकिन उन्होंने सिविल सर्विसेज को हमेशा के लिए ऑप्ट करके नहीं रखा, उन्होंने 1921 को सिविल सर्विसेज से रेजिग्नेशन दे दिया था और वो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में जुड़ गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार इंडिया के किसी फ्री पार्ट में फ्लैग होस्ट किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में फ्लैग होस्ट किया था। तो वहाँ पर जो जिमखाना स्टेडियम है वहाँ पर उन्होंने पहली बार फ्लैग होस्ट किया था, और वो पार्ट कम्प्लीटली ब्रिटिश से फ्री हो गया था। और उस पार्ट को फ्री करने में इंडिया के कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर का भी हाथ है और कुछ जापनीज सोल्जर्स का भी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी बनाया, और इस इंडियन नेशनल आर्मी में उन्होंने गर्ल्स का भी पार्टिसिपेशन लिया, प्लस जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उनको भी इसमें रिक्रूट किया। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस वक्त बहुत सारे ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स जापनीज के अंडर में सरेंडर किए थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन सबको मिलाकर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। और हेडक्वार्टर था वो सिंगापुर के यागोन में था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब जापनीज आर्मी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को अपने अंडर में कैप्चर कर लिया था। फिर नवंबर 6, 1943 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दिया गया था, और उसका पॉलिटिकल कंट्रोल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 29 दिसंबर 1943 को मिला था। और इसी दिन उन्होंने वहाँ पर फ्लैग होस्ट किया था अंडमान एंड निकोबार के जिमखाना स्टेडियम में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक सजेशन ये भी दिया था कि जो अंडमान आइलैंड्स है उसको शहीद आइलैंड और जो निकोबार आइलैंड्स है उसको स्वराज आइलैंड के तौर पर जाना जाए। और इन सब के अलावा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने के लिए जो ब्रिटिश के राइवल्स थे उनके साथ वो नेगोशिएशन करने गए थे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भी बात किया था, जापान से वो कांटेक्ट में थे ही, और वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेन सपोर्ट जुटाने के लिए अलग अलग कंट्रीज जाया करते थे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जापान से होते हुए सिंगापुर जा रहे थे, और उसी दौरान उनका प्लेन ताइवान में क्रैश हो गया था। और ताइवान में उनका प्लेन जब क्रैश हुआ था तब वो वहीं पे बर्नआउट हो गए थे, मतलब उनका पूरा बॉडी जल गया था ये रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे पीपल ये भी मानते हैं कि वो वहाँ से बच निकले थे और वो बाद में कहीं और सरवाइव किए थे। और सुभाष चंद्र बोस के डेथ के बाद जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर दिया था, और उसके कारण से जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था और रिसोर्सेज का कमी भी हो रहा था। तो फिर इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे उसको ब्रिटिश ने पकड़ लिया और उनके ऊपर मुकदमा भी होने लगा। और ब्रिटिशर्स ने ये आरोप लगाया कि इन्होंने सेडिशन किया, मतलब ये दुश्मन के साथ मिलकर हम लोगों को धोखा दे रहे थे, तो इनको फांसी का सज़ा होना चाहिए। लेकिन बहुत कम जन को फांसी का सज़ा हुआ, क्योंकि उस वक्त तक इंडिया के जो भी सिटीजन्स थे, कॉमन सिटीजन्स, वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के इस फैसले से नाखुश थे, क्योंकि वो सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। अगर वो लोग जापान को सपोर्ट नहीं करते तो जापान उन लोगों को मार भी सकता था, तो इसीलिए उन्होंने सपोर्ट किया, ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। और ब्रिटिश भी ये सब को देखते हुए, कॉमन सिटीजन्स के आक्रोश को देखते हुए, किसी को भी उतना ज़्यादा एक्सट्रीम सज़ा नहीं दिया। हालांकि कुछ कुछ को शायद फांसी का सज़ा हुआ था, लेकिन मैक्सिमम पीपल को इम्प्रिजनमेंट हो गया था। और अभी लेटेस्ट में जो सुभाष चंद्र बोस के ग्रेट ग्रैंडसन है चंद्र बोस, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंडिया गेट के पास में एक स्टैचू हो। तो गवर्नमेंट ने इसको मान लिया और गवर्नमेंट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू बनाने का प्लान किया है, और ये अगले साल तक हो जाएगा। और अगले साल 23 जनवरी को जब उनका 126th बर्थ एनिवर्सरी होगा, उस वक्त इस स्टैचू को सबके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। और तब तक के लिए वहाँ पर एक तो 3D हॉलोग्राम लगाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये 3D हॉलोग्राम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। और ये सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू लगने वाला है ये एक कैनोपी के नीचे लगने वाला है, और ये कैनोपी सीधा आप इंडिया गेट से देख सकते हैं। पहले
1968 से पहले तक यहाँ पर इंग्लैंड के जो किंग जॉर्ज फाइव थे उनका स्टैचू लगाया रहता था, लेकिन फिर इसको हटाया गया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगा कि जिस पर्सन ने किंग जॉर्ज फाइव के एम्पायर को चैलेंज किया उनका स्टैचू वहाँ पे लगेगा जहाँ पर पहले एक टाइम में किंग जॉर्ज फाइव का स्टैचू हुआ करता था। लेकिन एक चीज़ ये भी सोचने वाला है कि 1968 को इंडिया के इंडिपेंडेंस को लगभग 20 साल कंप्लीट हो चुके थे, तब तक वहाँ पे किंग जॉर्ज फाइव का स्टैचू क्यों था? प्लस ये जो स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वहाँ पे लगने वाला है वो ग्रेनाइट से बना हुआ होगा, और इससे पहले गवर्नमेंट ने 23 जनवरी को एज पराक्रम दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करना शुरू किया था। तो ये पराक्रम दिवस भी अब से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंडर में ही आ जाएगा। तो आप सभी को पराक्रम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी में जो आपको मैंने फैक्ट्स बताए और जो अभी करंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको लेकर वो सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।